हम लोगों के लिए ये बेइज्जती है। और इस घर में बहू बन के आने के बाद तेरा जो व्यवहार बदलते देख रही हूँ ना, मेरे साथ, मेरे पापा के साथ, पूरे परिवार को तूने युद्ध का मैदान बना के रख दिया है। हर वक्त बस झगड़ा, अशांति और लड़ाई का माहौल बना रहता है। क्या एक हाथ से ताली बजती है कि? गीत नहीं जमुना, मुझे गीत दीदी बोल। अच्छा अच्छा अच्छा, गीत दीदी कहूंगी। एक हाथ से ताली नहीं बजती गीत दीदी। आप एक बार सोचो, हमारे साथ क्या क्या हुआ है, कितनी बार मुझे मारने की कोशिश की गई है, मेरे घर में आग लगाने की भी कोशिश की गई है, और तो और मेरा कंधा जो आग में जला हुआ है। क्या हुआ, रुक क्यों गई, बोल। आपको पता था ना कि मेरा कंधा किस तरह आग से जला हुआ है। क्या कहना चाहती है तू, क्या कहना चाहती है तू? मुझे पता है गीत, नहीं गीत दीदी, कि आप भी जानती थी कि मुझे आग में जलाकर आपको नहीं मालूम था क्या? तू मुझ पर ये इल्जाम लगा रही है, मैं तो हैरान हो रही हूँ तेरी हिम्मत देखकर। गीत दीदी, आपकी आवाज में आत्मविश्वास की कमी नजर आ रही है मुझे। आप भी जानती थी? हाँ जानती थी। तो क्या करेगी तू? कुछ नहीं करूंगी, बस उसे इतना कहूंगी कि जो तुम पर जचता है वो उस पर नहीं जचता। जो भी हो, आज गीत दीदी, माने या ना माने, मैं उनकी भाभी हूं। वो नाराज हो जाए, दो बातें सुना दे, लेकिन एक बात सच सच बताओगी, आर्या को इस घर में लाने के लिए इतनी कोशिशें क्यों होती हैं? वो इस घर में आएगी तो क्या सच में तुम लोग सुखी रह पाओगे? मेरी सासू माँ, मेरी दादी माँ, वो सुखी रह पाएंगी क्या? ये लड़की तो प्यार तक नहीं जानती, इंसानियत तक नहीं जानती। लक्ष्मी पूजा के दिन इसने हमारी दादी माँ के जेवर छीन लिए थे। चुप रहो, मैंने कहा चुप रहो। तू अपनी हद पार कर रही है जमुना। आर्या, राय परिवार की बहू से तू तेरा करने का हक तुम्हें किसी ने नहीं दिया। तुम हमारी मेहमान हो। जो भी हो गीत दीदी, अब बस एक बार चलिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, बस एक बार चलिए। आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी। आप अपने भैया को तिलक लगा दीजिए दीदी, अपने भैया को और दुख मत दीजिए। इतने दिनों के बाद वो विदेश से आए हैं, बहन के हाथों से तिलक नहीं लगाएंगे। अपने भैया को दुख मत दीजिए दीदी, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, पता है, बहुत प्यार करते हैं आपसे, छोटी बहन से बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने मुझे आपकी कई कहानियां सुनाई हैं, आप दोनों के प्यारे प्यारे खेल के बारे में, एक साथ स्कूल जाना, आपको साइकिल सिखाना, आपको गाड़ी चलाना सिखाना, और भी बहुत कुछ। सब भूल गई क्या? गीत नहीं जाएगी।
मैं अपनी ननद से बात कर रही हूँ, तुमसे नहीं। गीत दीदी, एक बार चलिए, एक बार, उसके बाद मेरा मुंह आप कभी नहीं देखना। बस अपने भाई को मेरी वजह से दुख मत दीजिए दीदी। आप लोगों का तो खून का रिश्ता है ना। मैं तो बाहर से आई हुई लड़की हूँ, लेकिन वो तो आपका अपना भाई है। और दुख मत दीजिए, भाई को तिलक लगा दीजिए। प्रार्थना करती हूँ, चलिए गीत दीदी। मैं जो कहूंगी तू वो करेगी? हाँ करूंगी। जबान देती है? हाँ सही है। गीत तुम नहीं जाओगी, प्लीज। मैंने कहा ना तुम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी गीत, वरना मुझे घर लौटना पड़ेगा, प्लीज समझो। लौट के तो तुम्हें जाना ही होगा ना आर्या। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम इस घर में एक बेशरम औरत की तरह पड़ी हुई हो। अच्छा, तुम्हारी ये चमड़ी क्या मगरमच्छ की चमड़ी है? ए जमुना, माइंड योर लैंग्वेज, जस्ट माइंड योर लैंग्वेज। मुझे अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन सीख लूंगी, मैं जरूर सीख लूंगी। मेरे साथ मेरे विद्वान पति है ना, मैं उनसे सीख लूंगी। लेकिन जितनी हिंदी जानती हूँ, उससे तो लगता है कि तुम बहुत बेशरम हो। तुम तो बेशर्मों की तरह इस घर में पड़ी हुई हो और भिखारियों की तरह प्यार की भीख मांग रही हो। आर्या, प्यार कभी भीख में नहीं मिलता। प्यार पाने के लिए तो काबिल बनना पड़ता है और एक साफ दिल की जरूरत होती है। शट अप, जस्ट शट अप। जमुना, अब तू सारी हदें पार कर रही है, समझी? गीत दीदी, जो आपके और मेरे बीच परेशानी है, वो तो हर घर में होती है। ननद भाभी की परेशानी, सास बहू का झगड़ा, ये सब तो घर में ही सुलझ जाते हैं, किसी बाहर वाले के सामने रहने दीजिए। मेरी बात मानिए, आप चलिए। भाई बहन का रिश्ता इस तरह से खत्म मत कीजिए, मत कीजिए गीत दीदी। मैं आपके सामने फिर से हाथ जोड़ती हूँ, अपने भाई को और दुख मत दीजिए। चलिए दीदी, तिलक लगा दीजिए। ठीक है, मैं भाई को तिलक लगाऊंगी, ड्राइंग रूम में जाके भाई को तिलक लगा दूंगी, पर मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? दादी को बहलाकर तूने जो गहने ले लिए थे, तू तो बहुत चालाक लड़की है ना, छोटी सोच की लड़की, बेरहम लड़की। चाल चलकर तूने दादी के सारे गहने ले लिए। गीत? हाँ, अब वो सारे गहने तू लाकर अपने हाथ से मुझे पहनाएगी। सारे के सारे। लेकिन दादी माँ, उन्होंने तुझे दिए हैं ना, तो रहने दे, कोई बात नहीं। देख जमुना, तू अगर वो गहने मुझे दे देगी तो वही मेरे लिए भाई दूज का गिफ्ट होगा। नहीं दे सकती तू, जाके भैया को बोल दे कि उसकी और भी जो कजन बहने हैं उनसे जाकर वो तिलक लगवा ले। भैया जब विदेश में था तब तो मैं फोटो पर ही तिलक लगा देती थी, इस बार भी उसी तरह तिलक लगा दूंगी। ऐसे नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। गहने वगैरह मेरे लिए मायने नहीं रखते। मेरे लिए तो सबसे पहले है मेरे पति, मेरा घर,
मेरी ननद, मेरी सास, मेरे ससुर, मेरी मेरी दादी माँ। ठीक है, उफ, मैं गहने ले आऊंगी, मैं गहने लेकर आती हूँ। वो गहने दादी तुझे कभी नहीं देगी। देंगी, क्योंकि इस घर को चलाते हुए दादी माँ के सिर के बाल पक गए हैं। दादी माँ सब समझती हैं, सब जानती हैं। वो सब जो तुम नहीं समझोगी, तुम्हारी इस मोटी बुद्धि में ये बात कभी नहीं आएगी। देखा गीत, उस जमुना की हिम्मत देखी? तुम चिंता मत करो आर्या, ये गहने बस मैं आज के लिए पहनूंगी, इसके बाद खुद अपने हाथों से ये गहने तुम्हें दे दूंगी। ये गहने बस तुम ही पहनोगी आर्या। गहनों से शुरू हुआ खेल आज भैया पर खत्म होगा। सब कुछ मैं उस जमुना से छीन लूंगी, हर तरफ से वो खाली हाथ रह जाएगी, कंगाल। जमुना, रुक, वो आएगी नहीं। उसका नाम गीत है। केदार राय का खून दौड़ रहा है उसकी रगों में। इस जमुना के बस की बात नहीं है उसे ले आना। सब कुछ इतना आसान है क्या जमुना? ये परिवार है, समझी? इसे संभालते हुए ना हमारी हड्डी और मांस काली हो चुकी है। तू तो कल ही आई है, और वो भी ढोली के परिवार से। इस परिवार की समझ तुझ में कैसे आएगी? पढ़ाई लिखाई से लेकर पैसे तक तुझसे हम लोग बहुत आगे हैं, समझी? चुप कर। तुझे हमने वो किस परिवार से आई है, हम किस परिवार में हैं, इसकी तुलना करने को नहीं कहा है, समझी तू? इसमें गलत तो कुछ भी नहीं, कुछ गलत नहीं कहा उसने। गीत को लाने का वादा किया था उसने, पर वो ला नहीं सकी। इस घर के पैसे का खाना उसकी किस्मत में नहीं है, और पति के साथ तो शायद कभी भी नहीं। क्या क्या हो रहा है रंजना, क्या हो रहा है ये सब? देख नहीं पा रही हूँ कि परिवार के सारे बड़े खड़े हैं यहाँ पर? बड़ों के प्रति थोड़ी भक्ति दिखाओ, श्रद्धा दिखाओ, या सबके सामने जो भी मन में आएगा बिना सोचे समझे बोलती जाओगी? क्यों, बड़े लोगों से बातें सिर्फ जमुना कर सकती है, मैं नहीं कर सकती, क्यों? हाँ, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, क्योंकि तुम यहाँ सबसे छोटी हो। कल्याण, वो लोग बड़ी हो गई हैं और वो सब समझ सकती हैं, इस बात का कोई मतलब नहीं है। और जमुना, गीत अगर तेरी वजह से भाई दूज का तिलक नहीं लगाती, यानी मेरे बेटे को भाई दूज का तिलक नहीं लगाती, तो मैं तुझे कभी भी अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। इस घर की नई बहू होकर भी तूने सबकी बेइज्जती की है, यहां तक मुझे भी नहीं छोड़ा। भैया, भैया प्लीज, ये सब बात मत कीजिए। कल्याण, तू अब ये दो नावों में सवार होने का शौक छोड़ दे, ये सब बहुत हुआ। ये मत भूलना कि तू मेरी कमाई का खाता है। माफ करना भैया, मैं आपसे कहने के लिए मजबूर हूं। भैया, मैं अपनी किस्मत का खाता हूं, अपना अन्न खाता हूं। जिस तरह से आपका इस घर में अधिकार है ना, उसी तरह से इस घर पर मेरा भी उतना ही अधिकार है। अद्भुत, वाह जमुना, वाह,
तूने तो कर दिखाया, भाइयों को आपस में लड़वा दिया। लोग कहते थे ये दोनों राम लक्ष्मण की तरह दो भाई हैं, एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे, और अब दोनों भाई एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। वाह जमुना वाह, तूने तो लड़ाई करवा दी। तोड़ दे इस घर को, तोड़ फोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दे। अरे तुम लोगों का क्लास ही ऐसा है, एक साथ किसी परिवार में नहीं रह सकते, अलग करवा के ही दम लोगी। क्या कह रही हो मलिका, उसने कब ऐसा कहा? हाँ उलपटांग बातें करती जा रही है, उसने कहा है परिवार अलग करना है। अरे बात हो रही है कल्याण और उसके भाइयों में, उन दोनों में बहस हो रही है, तू इन सब में जमुना को क्यों खींच रही है? क्योंकि मेरे पति अब इसके पक्ष में बात कर रहे हैं। क्यों पापा, आप इसकी तरफदारी क्यों कर रहे हैं? इसकी तरफदारी करके अब आप ताऊ जी से लड़ेंगे क्या? छोटे मामा आप ये भूल रहे हो कि आप पानी में रहकर मगर से बैर कर रहे हैं। ए रंजना सोच समझ के बात करो, वो मेरे बड़े भैया हैं, उनके साथ मेरा भाई भाई का रिश्ता है, इसमें पानी और मगरमच्छ कहाँ से आ गया? और तुम्हें ये बातें सिखा कौन रहा है? और कौन सिखाएगा, जमुना सिखा रही है। रंजना तुम्हें मैं कह रहा हूँ कि तुम हद से ज्यादा बोल रही हो। अच्छा ठीक है प्लीज अब तुम सब चुप हो जाओ। उसने कहा था गीत को ले आएगी लेकिन नहीं ला सकी तो क्या हो गया? अब तुम सब इस बात का बतंगड़ मत बनाओ और इसका डिस्कशन मत करो, बहुत हो गया। और तुम सब बहने जाके भाइयों को तिलक लगा दो। गीत अगर अपनी जिद में रहकर संगीत को तिलक नहीं लगाना चाहती है तो नहीं लगाएगी। जब संगीत विदेश में था तभी भी गीत फोटो को तिलक लगाती थी, अभी भी लगा देगी। मैं क्या करूँ इसमें, मैं ही बदनसीब हूँ। जिंदगी में यही देखना रह गया है कि गीत संगीत को तिलक नहीं लगाएगी, क्या किस्मत है मेरी। तिलक लगाएगी बड़ी मालकिन। वो तिलक लगाएगी। क्या कह रही है तू? मैं उसी का इंतजाम कर रही हूँ। जमुना तेरी बातें बहुत लंबी होने लगी है, कुछ ज्यादा ही बातें कर रही है तू। जो तुझसे हो नहीं सकता उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें मत कर। एक दिन किसी के घर में विसर्जन में ढोल बजाकर 5,000 रुपए कमाकर केदार राय को खिला दिया तो क्या सबको खरीद लिया? ए मल्लिका ठीक से बात करो तुम उसके साथ। आप क्यों तरफदारी कर रहे हैं उसकी? बस क्या हो रहा है ये सब, घर में मेरे सामने तुम लोग इस तरह झगड़ क्यों रहे हो? बंद करो ये सब। मलिका तुम चुप हो जाओ और कल्याण खामोश हो जाओ। सुन जमुना, अगर तू गीत को भाई दूज के तिलक के लिए यहां नहीं ला सकी तो सुन ले, इस घर में आज का दिन ही तेरा आखिरी दिन है। पापा मैं इस घर में बहू बनकर आई तो अपने पति का हाथ पकड़कर, मेरी दादी माँ कहती है कि मेरे पैर शुभ हैं। पता है शादी के रस्मों के समय मेरे पति ने मेरे सामने हाथ फैलाया था और उस हाथ में था दूध और आलता।
और मैं उनके हाथ पर पांव रख के इस घर के अंदर आई थी। और मुझे दादी माँ ने कहा था कि ऐसा स्वागत तो भाग्यशाली लड़कियों का होता है। हाँ पापा, मैं भाग्यशाली हूँ। जब दादी ने कहा है तो आप समझ ही सकते हैं ना कि मैं इस घर से सिर्फ मांग में सिंदूर के साथ ही आखिर में अर्थी पर जाऊंगी। उसके अलावा इस घर से मुझे कोई नहीं निकाल सकेगा। और रहा सवाल इजाजत देने का, पापा आप एक दिन मुझे जरूर इजाजत देंगे इस परिवार में सबके साथ बैठ के खाने की, इस परिवार की कमाई से खाने की और मेरे पति के पास मुझे जाने की। नहीं तो मैं कैसी सुहागन हूं जो पति के बिना ही जिंदगी गुजार रही हूं। छी 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 छी, कितनी बेशर्म है। छी, पति पर अपना हक दिखाने को बेशर्मी नहीं कहते चाची जी, आपको इतना पता होना चाहिए। गीत को मैं जरूर लेकर आऊंगी। आप लोग तैयारियां शुरू कीजिए। और अगर नहीं ला सकी तो? ना का तो सवाल ही नहीं है। मैं केदार राय की बहू हूं, मुझे वादा निभाना आता है। मुझे मेरे हाथ पर अभी भी गहरा जख्म है, बहुत जलन है, बहुत दर्द है और इसे लेकर ही मैं सब कर रही हूं। कंधे पर टांग कर ढोल भी बजाया। सिर्फ आपको बचाने के लिए जो इतना कर सकता है वो आपको किए वादे को निभाने के लिए क्या नहीं कर सकता। आपको गर्व होना चाहिए कि ऐसी एक बहू मिली है। बेमतलब के झगड़े मत करो, वरना देखोगे उससे हार के भूत बनोगे और उसके सामने ही सिर झुक जाएगा। अनुराधा, मेरा सिर नहीं झुक सकता। मैंने सिर झुकाना सीखा ही नहीं, किसी के सामने नहीं। ना ऐसा मेरे पिता ने किया, ना मैंने, और ना ही मेरे परिवार के किसी सदस्य ने। कम से कम एक ढोली की लड़की के सामने तो कभी। बड़ी बड़ी बातें मत करो केदार राय। तुमने तो ढोल के मुकाबले में घायल करके उसे किनारे कर देने का ठान लिया था। छी, अरे तुम तो छल कर रहे हो केदार राय, छल। अनुराधा, चिल्लाकर बात मत करो केदार राय। मैं तुम्हारी आंखें दिखाना और नहीं सहूंगी। मुझे जमुना ने सिखाया है, जरूरत पड़ने पर जैसे पांव छूकर बात की जाती है, वैसे ही जरूरत पड़ने पर आंखों में आंखें डालकर बात की जाती है। भैया, आग और भड़के इससे पहले कुछ कीजिए भैया। मल्लिका, तुम आग चाहे जितनी भी लगाओ, लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि ये परिवार टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इस घर से मैं प्यार करता हूं। इस घर में मेरी मां रहती है।
दादी माँ। ओ तू है, आजा आजा। क्या हुआ, तू यहाँ क्यों खड़ी हो गई? अच्छा गीत आएगी ना तिलक लगाने? मैंने तो सबसे बहुत शान से कह दिया है कि मेरी जमुना सब कुछ कर सकती है, वो साक्षात माँ लक्ष्मी है, उसके छूने से सब कुछ बदल जाएगा। अच्छा गीत आएगी ना? कौन से गहने? वही गहने जो जो गहने आपने मुझे दिए थे ना, वो बैंक में कुछ कहा था ना, क्या कहते उसे, क्या लॉकर? हाँ उसी में है ना वो गहने, आप मुझे देंगी दादी माँ? अरे वाह, तू गहने पहनेगी और मैं तुझे दूंगी नहीं? मैं नहीं पहनूंगी। तो फिर गीत पहनेगी। क्या कह रही है तू, ये गहने गीत क्यों पहनेगी? ये गहने तो तेरे लिए हैं। ये गहने मैं प्राण रहते किसी को नहीं दूंगी। दादी माँ आप नहीं चाहती कि इस परिवार के सभी लोग मुस्कुराएं, ये टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ जाए? गीत अपने भाई को तिलक लगाए, भाई बहन के बीच का झगड़ा खत्म हो, आपके पोते को तिलक लगे, आप नहीं चाहती दादी माँ? लेकिन उससे इन गहनों का क्या लेना देना है? लेना देना है दादी माँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप ना मत कहिए, गहने दे दीजिए। ये सब गहने मेरी पसंद के हैं, मैंने ये गहने तुझे ही दिए हैं। तो ठीक है, आपने मुझे दिए, इसका मतलब है आपने मुझे दान दे दिए हैं, और दान में तो कोई शर्त नहीं होती ना दादी माँ, तो मैं किसी को भी दे सकती हूँ, बताइए। जमुना, ये ले पकड़, तुझे जैसा सही लगे इनका वैसे इस्तेमाल कर, तू अपने परिवार को जैसा तेरा मन चाहे सजा ले, ताकि केदार राय एक ही दिन के लिए सही तुझे जमुना ढोली ना कहकर अचानक बहु रानी कहकर बुलाए। भगवान तुझे खुश रखे।
से कम एक दिन के लिए ही परिवार में मेरा मान बढ़ जाए, मेरे ससुर जी के चेहरे पर मुस्कान आए, मेरी सासू माँ के चेहरे पर मुस्कान आए। दादी माँ, आप नहीं चाहती कि इस परिवार के सभी लोग मुस्कुराएं? हाँ तो गहने लेकर आई है ना? ये लो तुम्हारे गहने। किस्मती, सच में बदकिस्मती है। एक डोली की बेटी के हाथ से तुम्हारे ही परिवार के गहने हाथ फैला कर लेने पड़ रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात हो ही नहीं सकती। भाभी ननद के बीच टांग अड़ाए बगैर तुम नहीं मानोगी ना? तुम्हारे पास अब कोई काम नहीं है, जाओ ना, अपने घर चली जाओ। भाई नहीं है, जाकर उसे तिलक लगाओ। ए जमुना, तू इससे इस तरह से बात नहीं कर सकती। करूंगी, बार बार करूंगी, जब तक वो ये नहीं समझ जाती कि वो इस परिवार के बाहर की लड़की है और मैं तुम्हारे भैया की बीवी हूँ। तब तक मैं उसके साथ ऐसे ही बात करूंगी और बार बार करूंगी। नहीं, तू नहीं करेगी, तू उसे कुछ नहीं कहेगी। ये जमुना ढोली मेरे भाई की बीवी है, मेरे भाई की बीवी है, भाई की बीवी है। सुन सुन के मेरे कान के पर्दे फट गए हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, बल्कि मैं मान ही नहीं सकती। मैं भी तो नहीं मान पाती कि मेरी ननद मेरे साथ इस तरह से पेश आती है। जमुना, तुमने जो मांगा मैंने वो दे दिया, ये गहने। अब चलो बाहर चलो, तिलक लगाना है। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे भैया भी इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ केदार राय की बेटी अपना वादा निभाएगी। इन गहनों को तू मुझे पहनाएगी। मतलब ये गहने तू मुझे अपने हाथों से पहनाएगी, इन गहनों से तू मुझे अच्छे से सजाएगी। आया का मतलब पता है ना? आया का मतलब इन गहनों से तू मुझे सजाएगी अपने हाथों से। सजाकर तू मुझे ले जा, उसके बाद भैया को बुलाते ही मैं भैया को तिलक लगा दूंगी। मुझे बस गले वाला दे देना, मेरे गले से खोल कर लिया गया था इसलिए वो मुझे वापस चाहिए। मैं उसे पहनकर सबके सामने खड़ी रहूंगी। आर्या, तुम्हें सब कुछ वापस मिलेगा। इस घर से मिलने वाली जो भी चीज तुमने खोई है वो हर एक चीज तुम्हें मैं खुद वापस लौटाऊंगी। क्या हुआ जमुना, तैयार कर मुझे। अब तो मेरी बीवी को अपना लीजिए ना, प्लीज पापा, प्लीज मान जाइए। हाँ मान लेंगे, अगर गीत के हाथों तुझे तिलक लगवा सकी तो। गीत तिलक लगाएगी तो आप मुझे अपना लेंगे ना? जबान दे रहा हूँ। आज का शुभ पर उसी की वजह से तो बर्बाद होकर रह गया है। और हाँ, आजकल गीत और संगीत के बीच ये जो रिश्ता है ना, वो खुद में बड़ा अनोखा सा है, समझ में ही नहीं आता। एकदम असंभव। मैं गीत को अच्छे से जानता हूँ, गीत कभी भी संगीत को तिलक नहीं लगाएगी। क्यों ऐसी गैर जरूरी शर्त लगाई जा रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ।
नहीं। ये मैं नहीं पहनूंगी। ये हार तुम अपने हाथों से आर्या को पहनाओगी। गीत, मैं गरीब परिवार की हूँ, ढोली हूँ, इस वजह से मुझे बहुत बेइज्जत किया जाता है, और तुम्हारा कहा तो मैं सह भी सकती हूँ, लेकिन अब ऐसा भी मत करो कि एक बाहर की लड़की को मैं अपने हाथों से गहने पहनाऊं। मैंने सिर झुकाया है, लेकिन मेरा सिर अभी कटा नहीं है। तू अपने हाथों से आर्या को ये हार पहनाएगी। गीत, मेरी बात समझने की कोशिश करो। गीत नहीं, मुझे गीत दीदी बुलाओ, अनपढ़ लड़की। गीत दीदी, मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कह रही हूँ, मुझे इतनी अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन इतना तो समझ गई हूँ कि आप मेरा अपमान कर रही हैं। अरे, तू अपमान की बातें कर रही है? हैं? तेरे बाबा तो पंडाल के किसी कोने में पड़े रहते थे धोती कुर्ता पहन के, हमारे घर के नौकरों के साथ खाना खाते थे, और तू उसी की बेटी है जमुना। मौका देखकर तूने हाथ साफ कर लिया, मेरे भैया को फंसा कर उससे शादी करके तूने सोचा कि घर के सभी लोगों को उंगलियों पर नचाएगी तू, लेकिन नहीं। तुझे क्या लगता है मैं वो सब इतनी आसानी से होने दूंगी? मैं ये कभी नहीं होने दूंगी जमुना। आज से मैं तुझे नचाऊंगी। मैं जिस तरह नचाऊंगी तू उसी तरह नाचेगी। एक बात साफ साफ कह देती हूँ जमुना, अगर तू चाहती है कि मैं भाई को तिलक लगाऊं, अगर तू सबके सामने अपना मान बचाना चाहती है, तो ये गहने जल्दी अपने हाथों से आर्या को पहना दे। गीत, दीदी बोल, ये हार तू आर्या को पहना दे जमुना। बोला ना, पहना दे, वरना मैं भैया को आज किसी कीमत पर तिलक नहीं लगाऊंगी। ओ, पहनाओ। तेरी वजह से वो गहने मेरे बदन से उतार लिए गए थे। दादी माँ ने नीलामी की थी, नीलामी। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। इसी दिन का इंतजार था मुझे। रुक, एक मिनट रुक।